डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से आया बाहर। 21 दिन के लिए मिली फरलो। राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। इसके बाद वो मंगलवार को सुनारिया जेल से बाहर आ गया। हरियाणा की सुनारिया जेल में राम रहीम को मंगलवार सुबह 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया। वो फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम ने जून 2024 में एक बार फिर से फरलो की मांग की थी। राम रहीम ने 21 दिन के फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाया था। इससे पहले फरवरी में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल ना दे। इस समय हाईकोर्ट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी थी। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली। वहीं 21 मई 2021 को मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल राम रहीम को मिली थी। 7 जून 2022 को परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली। यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई। वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी हुए। इसी तरीके से कई बार उनको फरलो पैरोल पर रिहा किया गया। 20 जुलाई 2023 सातवीं बार 30 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया तो 21 नवंबर 2023 राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम भेजा गया। फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होता है जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता। फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता। ये सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है। आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो। इसका मकसद होता है कैदी अपने परिवार समाज के लोगों से मिल सके। इसे बिना कारण के भी दिया जा सकता है। चूंकि जेल राज्य का विषय है इसलिए हर राज्य में फरलो को लेकर अलग अलग नियम है। उत्तर प्रदेश में फरलो देने का प्रावधान नहीं है। फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रिजन एक्ट 1894 में इन दोनों का जिक्र है। फरलो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को मिलती है जबकि पैरोल पर किसी भी कैदी को थोड़े दिन के लिए रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण जरूरी होता है। राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।